तो दोस्त, कोई भी एक पेज आप बना लिए हो, खुद अपने फेसबुक अकाउंट में एक पेज क्रिएट कर लिए हो, और आपको पता नहीं है कि इस पेज को डिलीट कैसे करें, या आपके कोई भी फ्रेंड हो गलती से एक पेज को क्रिएट कर लिया और डिलीट करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करें। अगर आप सही में अगर आप जानने के लिए चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपका कंटेंट ये नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। चलिए, बिना टाइम उसके वीडियो कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। तो दोस्तों, सिंपल सा आपको जाना है, अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद 3 लाइन के ऊपर जाना है, यानी कि आपके प्रोफाइल वाला सेक्शन में आपको जाना है। जैसे यहाँ पर आप आओगे तो आपको, अगर आपके पेजेस पेज है सबसे पहले, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्विच स्विच का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आपका जो पेज है उसको लॉग इन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मतलब लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्विच बस कर सकते हो, ठीक है ना। तो नहीं तो यहाँ पर पेजेस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर स्विच नाउ जो लिखा है वहाँ पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप चेक कर सकते हो उससे पहले, ठीक है ना। तो आपको स्विच नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा। तो चलिए मैं आपको बैक जाकर दिखाता हूँ, स्विच नाउ के ऊपर क्लिक करिए, नहीं तो स्विच कर लीजिए, ठीक है ना, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर मैं स्विच कर लेता हूँ अपने पेज को। चलिए फटाफट से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये मेरा पेज आ गया, सिंपल, ठीक है ना। सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेटिंग का ऑप्शन, ऊपर देख सकते हो, सिंपल सा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो पेजेस सेटिंग यहाँ पर देख सकते हो, आपका पेज का नाम आएगा, सिंपल सा यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है, यहाँ वहाँ क्लिक नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आपका पेज का नाम देखना है, ठीक है ना, नाम को देखना है, उसके बाद डिलीट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, ठीक है ना, एक्सेस एंड कंट्रोल, सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको ढूंढना है, ठीक है ना, मैनेज योर डाटा वगैरह दिखाई देगा आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए तो डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, सिंपल सा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो होगा डीएक्टिवेट पेज या डिलेट पेज। अगर आप डीएक्टिवेट करने के लिए चाहते हो तो वहाँ पर क्लिक करिए, नहीं तो डिलीट करने के लिए चाहते हो तो सिंपल से नीचे क्लिक करिए। अगर डीएक्टिवेट करना है तो वो टेम्प्ररी है, डिलीट करना है तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। देन आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक बार डिलीट कर देते हो तो कुछ भी वापस नहीं आएगा, एवरीथिंग इज डिलीट, ठीक है ना, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देगा आपको, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी सिलेक्ट करना है नहीं करिए, ठीक है ना। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब ये पूछ रहा है कि क्यों आप डिलीट कर रहे हो, आपको जवाब देना है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दे दीजिए। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, ठीक है ना। आपको जितने भी सारे पेजेस का जितने डाटा वो शेयर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो, ये जो ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन वो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसके रिगार्डिंग भी वीडियो चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कैसे करें वो करें, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है ना। डाउनलोड मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिए तो फोटो जो है वो आप पेजेस का जितने भी सारे डिटेल्स है वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, फोटो मतलब आपके पेजेस का जो कुछ भी आपको शेयर वगैरह किए हो, ठीक है ना, वो यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हो। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। तो चलिए बैक चलते हैं, यहाँ पर डिलीट कैसे करना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आपको कॉन्फर्म दिस इज योर पेज, आपको सही से पढ़ना है कि आपका जो पेज का नाम वो सही है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर पासवर्ड दे के कॉन्टिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर डिलीट पेज का ऑप्शन आएगा, चाहते हो तो भाई
सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डिलीट कर लीजिए और आसानी से डिलीट हो जाएगा। सिंपल सा डिलीट पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना और आपका पेज जो है वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दीजिए। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ साथ वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं और एक नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक रहते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।